हां जी तो हायरिंग इज बैक टू द नॉर्मल अगेन बट ये सबके लिए नहीं है वही लोग फायदा उठा पाएंगे जिनका एक सही माइंडसेट सही प्लान पर चल रहे हैं प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन बढ़िया है प्लस राइट स्किल सेट है और जो रो रहे हैं वो रोते रहेंगे जो भी हमारा कोविड से पहले प्री कोविड से पहले एक एरा होता था जिसमें नॉर्मल हायरिंग जैसे होती थी सेम लाइक दैट आज भी वैसा ही प्रोसेस होने लग गया है चीजें नॉर्मल हो रही है और बहुत हद तक हो गई है कोई रिसेशन नहीं है कोई नहीं है अब और ये मैं बातें हवा में नहीं कर रहा हूँ साथ साथ एक प्लान है जिसके तरफ एक तरफ स्किल्स है एक तरफ क्या है कंपनीज अगर आप ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो जहां पर आपकी चाहे सर्विस बेस्ड कंपनीज हो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो स्टार्टअप्स हो ये तीनों कवर हो रहे हो प्लस यहां पर बेशक आपकी फ्रंट एंड स्किल हो ऐप डेवलपमेंट हो वेब डेवलपमेंट हो बैक एंड हो इसमें से कौन सी स्किल सीखे इसमें से कौन सी कंपनीज की तरफ ज्यादा हायरिंग है way, और कैसे हो सारे? Section, okay? so सबसे पहले जानते हैं कंपनीज का मूड क्या चल रहा है मार्केट क्या चल रहा है क्या हायरिंग के पॉजिटिव साइंस आपको दिख रहे हैं कि नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है लेट मी शो यू सो अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज आई है लेटेस्ट है जुलाई 19 की जिसने एक हफ्ता ही हुआ इस न्यूज को जहां पर इन

तो मार्केट का ये मूड कैसा सेट हो रहा है और कौन कह रहा है दो तीन लाख का देते हैं टीसीएस का तीन लाख से भी शुरू है तो वो भी जा, कहा जाता है सात लाख नौ लाख तक भी जाता है बट उसके लिए स्किल होनी चाहिए सेम इन्फोसिस का भी है सिस्टम इंजीनियर हो गया डीएससी हो गया फिर स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर हो गया मास बल्क हायरिंग कहाँ होती है हमेशा प्रोडक्ट बेस में नहीं होती है सर्विस बेस कंपनी में ही होती थी टीसीएस इन्फोसिस विप्रो इन्हीं कंपनीज के द्वारा अगर देखोगे टीसीएस ने सबसे पहले अनाउंस किया था वर्क फ्रॉम होम कैंसिल कर रहे हैं हम बैक टू द ऑफिस कर रहे हैं तो सभी कंपनीज का धीरे धीरे क्या आया कि भाई वर्क फ्रॉम होम कैंसिल जब इन्होंने वर्क फ्रॉम होम दिया था तो सब कंपनीज का वर्क फ्रॉम होम होने लग गया था तो ये देखो मार्केट का मूड कैसे सेट होता है इन कंपनीज के द्वारा अभी ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं प्योर पॉजिटिव साइन की हा बैक टू द नॉर्मल हो गई चीजें हायरिंग बैक टू द नॉर्मल हो गई ऑन द टेबल ये वो डेटा है जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है एंड दिख रहा है एंड कुछ इन मैं आपको दे देता हूँ जो भी मैंने अपने रेफरल्स मांगे अपने बच्चों के लिए पेड बैच वालों के लिए तो उससे मुझे पता चला ठीक है एच के पास से बात करी मैंने कुछ एच मेरे कॉन्डेक्ट में कुछ मेरे कुछ बच्चे खुद के पढ़ाए हुए लग गए उनसे जब मैंने जाना तो मुझे क्या मिला सो so, अगर मैं स्टार्टअप्स की बात कर लूं कुछ मेरे बच्चे भी प्लेस हो गए हैं कुछ मेरे नोन हैं जो प्लेस हैं। उन्होंने सेम चीज बोली भाई हायरिंग्स तो है हमारे पास अभी मेरा खुद ही एक बंदा है जो मेरी टीम का पार्ट है वो अपनी अभी मतलब कंपनीज में बच्चों को हायर भी करता है अब वो कह रहा है है यार सर सब कुछ बढ़िया लेकिन प्रॉब्लम क्या है स्किल्ड स्किल्ड बच्चे नहीं मिल रहे नहीं मिल मिल रहे रहे हैं हैं फ्रेशर्स मैंने बोला क्या बात कर रहे बोल रहा है हाँ ये एक मार्केट गैप है अब वही बच्चों को अगर जो बेसिक चीजें आती है मार्केट स्टैंडर्ड या मार्केट स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क नहीं आते हैं तो कैसे काम चलेगा यार बात तो सही है आजकल बच्चे चैट जीपीटी बोलते हैं चैट जीपीटी यूज कर लेंगे उसके लिए ठीक है चैट जीपीटी आ गया लेकिन बेसिक फाउंडेशन तो वहीं रहेगी सारा ऑनलाइन कोड उठा के तो पेस्ट नहीं कर देंगे ना ऑप्टिमाइज तो करेंगे तो वो खुद चैलेंजेस फेस कर रहा है अभी इंटर्न हायर करने के लिए ऐसे ही मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी सेम वही चीज मतलब जो अपॉर्चुनिटीज है ना यार उस तक हर बंदा पहुंच नहीं रहा है स्किल्ड वाला अभी भी वो कहीं ना कहीं वो लेयर मिसिंग है आपको स्प्रिंग बूट आती है हायरिंग रिएक्ट जीएस की

एक सर्कल इधर है और ये मैं प्योर डेटा और फैक्ट पर बात करने वाला हूं यहां पर अगर आप रखते हो सर्विस बेस्ड कंपनी सिर्फ क्यों बोल रहा हूं प्रोडक्ट बेस के लिए रेफरल्स चाहिए स्टार्टअप्स के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टार्टअप आया है किसके पास फंडिंग आ गई है कौन सा इंटर्न हायर कर रहा है कहा मेरे को कौन रेफरल दे सकता है कौन उसका एचआरवीपी है बहुत सारी चीजें राइट right? अब इस डेटा में जाओगे या इस डेटा में जाओगे क्या जल्दी अवेलेबल है ये जल्दी अवेलेबल करियर पेज पे जाओ न्यूज पोर्टल्स कुछ खोलो अभी यूट्यूब पर भी हर जगह यही बातें होने लग गई है तो तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ से कैसे जाके अप्लाई करना है इस तरफ अगर मैं बात करूं स्किल ऐसी कौन सी कॉमन स्किल है जो सीख ली जाए और जिसका अमाउंट ज्यादा है इम्पेक्ट ज्यादा है सच बता रहा हूं फ्रंट एंड ऐसी स्किल है जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ओपनिंग्स दिखेंगे एंड अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप कर दिया जाए इंटरसेक्शन निकाल दिया जाए यू गेट द अपॉर्चुनिटीज बिकॉज सर्विस बेस्ड कंपनी में भी आप जाओगे तो अपने रिज्यूम लेके जाओगे पोर्टफोलियो बना के जाओगे पोर्टफोलियो के बाद अंदर कोई प्रोजेक्ट लगा के जाओगे तो फ्रंट एंड का क्यों नहीं हो सकता मैं इससे ये नहीं कह रहा हूं कि आप बैक एंड मत सीखो मैं ये नहीं कह रहा हूं आप पाइथन से डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स मत सीखो मैं ये भी नहीं कह रहा हूं मशीन लर्निंग एआई मत सीखो

एस डी टू यहाँ भी इसको भी अगर थोड़ा ओपन करोगे तो थ्री इस कुछ लिखा होगा सी थ्री प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद रियक्ट जीएस एंगुलर एंड व्यू जे एस तो इसमें भी बैकहेंड भी कर रहे हैं तो फ्रंट एंड की चीजें हैं ही नाउ अब डालते हैं फ्रंट एंड सी द डेटा फोर्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्स नाइन ये तो लिस्टेड जॉब्स है जो लिंगड इन पर है और लिंगड इन का डेटा तो ओपन सोर्स ही है एक तरीके से अच्छा अगर इसमें डालते हो ऐप डेवलपमेंट कितना है 15,700 ऐप भी आज के टाइम एस टी एम एल सी एस एस वाली टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं नेटिव से बन रहे हैं Cross Platforms बन रहे हैं, तो इसमें ये नहीं पता है कितने numbers की वो भी jobs हैं। हैं no. अब डालते हैं AI Engineer. कितना भाई? 2429 only. और इसमें भी मैं आपको बता दूं फ्रेशर के लिए बहुत कम है फ्रंट एंड में इंटर्न दिख जाएगा यहाँ नहीं दिखेगा ये देखो एंड सी फ्रंट एंड इंटर्न डेवलपर इंटर्न इंटर्न ठीक है सब डेटा तुम्हारे सामने है फैक्ट तुम्हारे सामने है नाउ no. फ्रंट एंड स्किल में एक चीज याद रखना मेरी एचटीएमएल सीएसएस ये क्लास 11 12 नाइन टेंथ के बच्चे भी सीख रहे हैं आपको ये नहीं सीखनी है आपको फ्रेमवर्क सीखने इस पर ध्यान देना है जो मार्केट में यूज हो रहे हैं कंपनीज यूज कर रही हैं उन फ्रेमवर्क्स को सीखना है और इसमें भी मैं बता चुका हूं रिएक्ट एंगुलर व्यू अभी देखा हमने एंगुलर व्यू कुछ भी सीखो वो फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जो भी सीख रहे हो उसको एंड पॉइंट तक लेके जाओ प्रोजेक्ट्स को लाइव करो प्रोजेक्ट्स को यूनिक बनाओ ऑप्टिमाइज बनाओ ऑप्टिमाइज कोड लिखो अगर यूट्यूब से भी कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो इतना कंज्यूम कर लो कि कल को इंटरव्यू में कोई पूछता है तो हर एक चीज उसकी बता पाओ सिर्फ एस टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट से काम नहीं चलेगा जो और बहुत से लोग बोल रहे हैं नो कोड टूल्स आ गए हैं फ्रंट एंड वाले इंजीनियर की यूआई की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है आज फाइट इसी चीज की तो है कि हर एक स्टार्टअप मतलब बहुत सारी चीजें सेम ही

आप खुद जाओ रिसर्च करो चीजों पे लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि चीजें बैक टू द नॉर्मल हो गई हैं हायरिंग्स हो रही हैं सर ये पकड़ के मत बैठो कि यार हा... सेक्शन में या फिर कहीं डिस्कॉर्ड पर जो बोलेंगे मेरे को इतनी सारी चीजें आती है मेरी जॉब नहीं लगी मेरी जॉब नहीं लगी तो वो रोते रहेंगे ऐसे लोग बहुत पहले भी रोते थे उनकी तब भी जॉब नहीं लगती थी आज भी नहीं लगेगी ऐसे लोग रोते रहेंगे क्योंकि आपका सही टाइम पे सही जगह होना विद स्किल सेट बहुत मैटर करता है अब कई बच्चे ये भी नहीं बोल सकते एटलीस्ट मुझसे कि सर रिसोर्स नहीं है देखो भाई रिसोर्स क्या रोड मैप से लेके मैंने जाओ फुल स्टैक में पूरा या नहीं है एक नंबर का कंटेंट बनाया है यहाँ से आप पढ़ सकते हो अब इसमें तुम लेक कर रहे हो तो तुम्हारी गलती है एक रिसोर्स ये मैंने बना दिया इसको फॉलो कर सकते हो बाकी किसी और का भी कर सकते हो जहां पे भी चीजें समझ में आ रही है बस मैटर करता है उन चीजों को सीखो और ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करो जॉब्स में क्योंकि अप्लाई करोगे जितना ज्यादा प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी सर्विस बेस की भी तैयारी रखो एंड अपने साइड साइड बाय प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड करते रहो डेवलपमेंट पे भी काम करो दोनों चीजें अगर काम करते हो पक्का जॉब लगेगी ओके okay? सो so, लगे रहो जब तक जॉब नहीं लग रही है चलो फिर बाय बेस्ट ऑफ लक और हाँ ये रिसोर्स देखना चेक करना वेरीफाई करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ओके okay? चलो टाटा